पंचायत के बाद अब इस लॉकडाउन में जितेंद्र कुमार की फिल्म चमन बहार भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है। इस फिल्म को अपूर्व बढ़ गया ने डायरेक्ट किया है। पहला पैर नसीब में हो ना हो, लेकिन उसका नशा कुछ अलग ही होता है। और मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर तो समझ ही जाइए मजनू का क्या हाल होगा। चमन बहार ऐसा ही एक पान है जिस पर इश्क का कथा एक तरफा है। कहानी है छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे लोरमी में एक छोटी सी पान की दुकान चलाने वाले बिल्लू की, जो एक चपरासी का लड़का है। बाप बेटे को अपने ही दफ्तर में नौकरी दिलाकर नेपोटिज्म का शिकार बनाना चाहते थे और बेटा अपनी दुकान खोलकर खुद को आत्मनिर्भर। चमन बहार के नाम से बिल्लू ने दुकान खोल तो ली, लेकिन ग्राहक के नाम पर मच्छर भी ना आए। अब दुकान चलेगी कैसे? पान की दुकान के ठीक सामने एक वीरान घर, वीरान रोड पर बिल्लू का साथी हुआ करता था। लेकिन बिल्लू को क्या पता था, एक दिन यही घर उसके पान पर इश्क का कत्था भी लगाएगा। इस वीरान घर में रहने आता है एक इंजीनियर का परिवार, जिनकी बेटी रिंकू के प्यार में पड़ जाता है पूरा शहर। स्कूल के आवारा लड़कों से लेकर हेडमास्टर तक हर कोई लड़की की मोहब्बत में फिदा। अब इश्क की गली में चक्कर ना काटे तो वे मोहब्बत कैसी? आवारा लड़कों से लेकर डीएमओ के लड़के तक हर किसी का अड्डा बन जाता है बिल्लू का चमन बहार। पहले तो पैसे की चमक में बिल्लू को रिंकू की खूबसूरती नजर नहीं आती, और फिर जब इश्क का रंग चढ़ने लगा किस्मत ही बेईमान हो गई। चमन बहार उस इश्क के पान की तरह है जिसमें स्वाद बेशुमार है, बस कमी है तो कहानी गढ़ने वाले में। कमजोर कहानी में भी जितेंद्र कुमार के पान के रंग देखने लायक है। वे उस मीठे पान जैसे नजर आते हैं जिससे रिंकू को मोहब्बत हो ना हो, लेकिन आपको जरूर हो जाएगी। सीधी सीधी कहानी में कॉमेडी का तड़का और एक तरफा मोहब्बत रंग इसे दमदार बनाता है। कोरोना के इस काल में जहां हर दिन बस इस डर से गुजर जाता है कि अब कुछ और ना बुरा सुनने को मिले, उस माहौल को लाइट करने के लिए ये एक अच्छी सीरीज है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।